सो बस सब गाइस वाचिंग मैंने ब्लॉग सो गाइस। तो आज मैं जा रहा था गांव और आपको चलो बहुत दिन मुंबई में आप वीडियो बनाया, अब गांव का थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगा और गांव दिखाऊंगा कैसा दिखता है मेरा गांव। चलो वीडियो करते स्टार्ट, अब डायरेक्ट मिलता है आपको प्लेटफॉर्म में कुर्ला में और दिखाते हैं आपको, चलो लेट्स गो। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए, ये लोकमान तिलक कुर्ला फॉर्म, ये अंदर का सीन है। अभी भीड़ कितनी है देखो, फाइनली हम लोग अभी टिकट ले लिए, टिकट मेरा था रिजर्वेशन और इधर घूमते हैं। और ये ई रिक्शा है जो रेलवे के अंदर आपको सामान ले जाने के लिए सब आसानी होगी इसके लिए। ये अंदर पहले एयरपोर्ट में चलता था बट अभी इधर भी चलता है रेलवे स्टेशनों में। और ये इधर की जो सीन है कितना खूबसूरत है देखो, जैसे मेरी गाड़ी आने वाली उसका इंतजार कर रहे हैं। ये आप देखो ये भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, बट अभी खाली है, जब गाड़ी आएगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। फाइनली गाइस मेरी गाड़ी चलने वाली है, अभी रेडी हो गई है ये कमानी ये। और भीड़ बहुत ज़्यादा है गाड़ी में, बहुत ज़्यादा भीड़ है, चलो आपको दिखाते हैं। फाइनली गाइस हम लोग नासिक पहुँच गए, बहुत टाइम है जाने के लिए। पूरी गाड़ी खाली है, देख सकते हो मैं भी सोया हूँ, सुबह का सीन है ऐसा। गुड मॉर्निंग एंड सबको, ऐसा ही है अभी सबको खाली पूरी गाड़ी है, एक भी भीड़ नहीं है गाड़ी में, आप देख सकते हैं हर जगह सीन है। लिए हरे हरे खेती देखने लिए मिल गए, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है गांव का, यहाँ की हरी भरी फसलें जो लहरा रही हैं। हम लोग पहुंच गए अपने गांव, अभी कमाईने एक्सप्रेस आई है प्लेटफॉर्म एक में लगी है अभी, और मोदी जी, चलो बाहर चलते हैं गेट के बाहर। फाइनली बस में बैठ गया मैं अपने गांव की तरफ की बस के लिए, और ये मेरे गांव का ये प्यारा सा नज़ारा ऐसा दिखता है मेरा गांव। ये गाइस मेरा प्यारा सा गांव है, ये आप देख सकते हैं, ये आजूबाजू पड़ोसी मेरे, बाकी ये आम का, अभी आम भी होने लगे हैं, फूल आ गए हैं गौर, थोड़े दिन बाद आएंगे आम। बाकी कितना खूबसूरत मेरा गांव दिखता है ये देखिए आप लोग, ये अभी मैं टेरेस पे था वो दिखा रहा था आपको अपना प्यारा गाँव जो बहुत ही खूबसूरत है। और पहले मैंने ब्लॉग डाला था जो बहुत बड़े पहाड़ में गया था, उधर भगवान को दिखाया था आपको जो बीच पहाड़ में है, और ये जामुन का पेड़ इधर तो अभी हो रहा है बट बम्बई मिलने लगा वह जामुन। और ये ऐसा गांव दिखता है मेरा प्यारा सा।